चुराने आया रे, जो भी आया रे आया रे जो आया रे, जो भी आया रे आया रे जो आया रे। अभिनव प्रज्ञा महाविद्यालय सरीला की छात्र प्रतीक्षा कुमारी 11 पुष्प मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में साधुवाद। दोनों तपस्वी माया भी मेरे पीछे चले गए। जानकी कुटिया में अकेली है, अब मैं जानकी के पास में जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा और उसे हरकर के लंका ले जाऊंगा। आज तक हमारी माया से कोई नहीं बचा, चल रहा हूं सीता के पास। औलाद बालो फूल फलो, औलाद बालो फूल फलो, के समीप आ गया। सीता अकेली है, अब मैं सीता के पास जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा। अलोक निरंजन। अवश्य महात्मन, कहीं आपका आना किस कारण हुआ? हे मैया, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, बहुत दिनों से मुझे भोजन प्राप्त नहीं हुआ, भूख के कारण मेरे प्राण बीच में ही फंसे हैं। हे महात्मन, कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं उन फलों को आपके समीप में लाऊं। क्यों नहीं मैया, लाओ। ये क्या, वो छोटी छोटा तपस्वी गया तो गया, पर अपनी माया का जाल फैला गया। वो ये नहीं जानता ये रावण है,
रावण के जंगल से आज तक कोई नहीं बचा। अगर वो अपनी माया का जाल फैला गया है तो मुझे भी कुछ करना होगा, जिससे सीता इस रेखा को पार करके बाहर आए, तभी मैं इसे यहां से ले जा सकता हूं। हे मैया, कहें महात्मन, आप इस रेखा को पार करके ही मुझे भिक्षा दे। नहीं नहीं महात्मन, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे देवर कसम दे गए हैं। यदि आप इस रेखा को पार कर नहीं सकती तो मैं अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि मेरे देवर कसम दे गए हैं। और वह कौन सी कसम है आप? कौन सी मैया? कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर। मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। हे मैया, मैंने तो सुना था कि महाराज दशरथ के परिवार के कुछ लोग यहां पर ठहरे हुए हैं, और हमारा तो क्या, हम साधु हैं, आज यहां कल दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, और हमारे तो गम का भी ठिकाना नहीं है। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना।
भैया, यदि आप इस रेखा को पार नहीं कर सकती तो मैं भूखा ही यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा। रुकिए रुकिए महात्मन, अब देवर की आन रहे न रहे, क्योंकि एक स्त्री का परम कर्तव्य हुआ करता है गृहस्थी धर्म। यदि यहाँ से आप भूखे ही चले जाएंगे तो मेरा तो गृहस्थी धर्म ही चला जाएगा। इसलिए हे महात्मन, देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी।